आज बात करूंगा मैं इसकी, ये चीज क्या है। ये जो है हमारा चेयर बोलते हैं इसे, ये चेयर भी बड़े काम की चीज होती है, क्योंकि हम जब कास्टिंग कर रहे हैं तो ये हमारा डबल जाल आ गया, एक नीचे है और एक ऊपर है। देख दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए डबल है। और इसको जो है, इससे जब ये चेयर नहीं है तो ये जाल और ये जाल जब हम काम करेंगे तो दोनों एक साथ मिल जाएंगे। जब ये एक साथ मिल गए तो हमारा जो टू वे है, हमारा डबल जाल का कोई मतलब नहीं रहा, मतलब उसका कोई पर्पज ही नहीं रहा। वो इससे अच्छा कि हम सिंगल ही जाल डालें। तो इसके इसी को हम लोग, ये जो चेयर हम यूज़ कर रहे हैं, ये इसका बहुत ज़रूरी काम है। मैं इसका जो फॉर्मूला होता है कि हर एक मीटर पे ये आपकी चेयर होनी चाहिए, मगर कभी कभी क्या होता है कि आपका जाल 20 से दब रहा है तो भी आप चेयर डाल सकते हैं। और हमेशा अगर आपका 10 का स्टील है, मेन 10 का है या 8 का है, तो आपने जो चेयर डालनी है वो 12 mm की डालनी है, क्योंकि 12 mm का स्पैन, 12 mm का जो चेयर होती है वो आराम से फिर लोड ले लेगी। ये देखिए मैंने सारी चेयर यूज़ करी हुई है, आपको और भी दिखा देता हूँ चेयर में। ये देखिए चेयर, ये देखिए हर एक मीटर पे एक चेयर जरूर होनी चाहिए, जो जहाँ पे भी डबल जाल है आपका, जहाँ पे जैसे टू वे स्लैब है तो टू वे स्लैब में भी, सिंगल वे स्लैब है इनमें भी, जो साइड्स होती हैं जहाँ पे हमारा हमारा जो क्रैंक कट के उठता है, जहाँ पे क्रैंक उठेगा वहाँ पे ये चेयर का यूज़ करना है हमने। देखिए और कहीं छोटी चेयर कहीं बड़ी, इसका कोई स्पेशल वो नहीं है कि हमको इसी आकार में बनानी है या इसी साइज में बनानी है, हमको चेयर लगानी है। मेन पर्पज़ हमारा जो है इस जाल को नीचे वाले जाल से ऊपर रखना है, तो हमको इसलिए हमको चेयर चाहिए। ये देखिए सारे में चेयर दिखा रहा हूँ मैं आपको, वो सामने भी एक चेयर, उसके आगे भी एक चेयर, वो देखिए एक चेयर ये रही, फिर एक चेयर ये रही, और फिर एक चेयर ये रही, फिर उसी के बगल में एक चेयर ये रही, फिर इसके साथ वो चेयर है हमारी, उसके बाद वो चेयर है हमारी। तो इस तरह से चेयर हम लोगों ने लगानी है। हमारा जाल कभी भी, ये देखिए, नीचे नहीं बैठना चाहिए, दूसरे जाल से हमेशा ऊपर रहना चाहिए। देखिए ये हमारा जाल से ऊपर है। तो हमारा ये था चेयर का काम, जो चेयर इसलिए हम लोगों को ज़रूर यूज़ करनी चाहिए चेयर।